आसमान से बरसी बूंदे, किसी के चेहरे पर लाई मुस्कान, कोई हो गया मायूस, इस मावट के क्या है मायने। देखिए मावट, खुशी या मायूसी, स्पेशल रिपोर्ट में आज रात 9:30 बजे सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर। शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोखों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, हम हैं मौजूद गली गली शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। राज्यों की पुलिस को धौलपुर विधायक कुशवाहा की तलाश, दूसरे दिन भी नहीं पहुंचा शपथ लेने विधानसभा। चिटफंड कंपनी में करोड़ों के हेरफेर का आरोप। विधानसभा में दूसरे दिन भी विधायकों ने ली शपथ। स्पीकर मेघवाल ने कहा सही बात का देंगे साथ, नए विधायकों ने इलाके के विकास को बताया प्राथमिकता। बाड़मेर में एएनएम के अपहरण के बाद दुष्कर्म, चोरी की गाड़ी से हुआ राजफाश, आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज। टोंक में टेम्पो ने ट्रक को कुचला, दो ने मौके पर तोड़ा दम, 5 घायलों का इलाज जारी। और प्रदेश में दूसरे दिन भी कई इलाकों में बारिश, जयपुर में दिन भर नहीं निकला सूरज, सीकर में उजड़ी बस्ती के लोगों ने सर्द हवाओं के बीच गुजारी रात। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है परत दर परत, मुद्दों की बारीकी, वादों की हकीकत, परेशानियों की असली वजह तक पहुंचने की कोशिश, सिक्के के हर पहलू को जानने की एक्सरसाइज, क्योंकि झूठ और सच में सिर्फ परसेप्शन का फर्क नहीं है, फर्क है वादा और वादा फरामोशी के बीच का, हकीकत और तथ्यों के बीच के अंतर को समझने का। और जब इस पर से पर्दा उड़ जाता है, बादलों का धुंधला साफ होने लगता है, तो फिर सच की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। आज का सच है पहले कांग्रेस, फिर मोदी और अब वसुंधरा राजे के वादों और उम्मीदों का जाल। 60 का मैजिक, 60 दिन, 60 महीने, 60 साल। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया है, अब उन्हें 60 महीने का मौका मिलना चाहिए। सेवक और शासक का फर्क मुल्क को समझ आना चाहिए। अब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के विकास के लिए 60 दिन की कार्य योजना विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। इसके लिए गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने खाका तैयार किया है। तो क्या है ये कार्य योजना और इससे कैसे और कितनी सूरत बदलेगी राजस्थान की, या फिर ये भी वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर रह जाएगी, इस पर चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। राजस्थान सरकार में वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी साहब, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी जी, कांग्रेस के विधायक गोविंद डोटा सर और समाज सेवा में जुड़ी कविता श्रीवास्तव, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन देखते हैं पहले छोटी सी रिपोर्ट। जो साठा वो पाठा, हिंदी की इस कहावत का मतलब बड़ा साफ है। जैसे ही कोई 60 का होगा, उसकी समझदारी का यकीन दुनिया करने लगेगी, फिर चूक की गुंजाइश नहीं रह जाती है।
राजनीति की बात करें तो नीत के मामले में ये सही चलता है, पर राज के मामले में उलट पुलट जाता है। यानी समझदारी के बैलेट पर धोखे की मोहर लगती जाती है। अंत में नतीजा आता है तो बस इंतजार का, जो सरकार दर सरकार कैरी आउट होता रहता है। इन सब के बीच जनता खाली हाथ होती है। हर 5 साल में उम्मीदों का पर्व बड़े धूमधाम से मनाने के लिए उसे तैयार किया जाता है। खैर, सियासत में मुद्दा साठ का ठाट से भी जुड़ा है। नेताओं से जनता तक आते आते ठाट भी काट की हो जाती है, वरना 60 साल से ज्यादा केंद्र की सरकार में रह चुकी कांग्रेस को गरीब, भुखमरी और दुनिया भर की समस्याएं आज न दिख रही होती। यानी कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ तो क्या 60 महीनों में कुछ हो सकता है? अगर महज ये उम्मीद है तो फिर क्यों किसी को दिया जाए? पर अगर 60 सालों से सबक लें तो फिर 60 महीनों का रिस्क बुरा नहीं है। पर जब बड़ा रास्ता छोटी पगडंडियों के सहारे 60 दिनों में पूरा करने की बात की जा रही हो तो ध्यान उधर जाना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। सैनी साहब, आपको बहुत ही बेबाक मंत्री माना जाता है और जनता से जुड़ा हुआ मंत्री माना जाता है। वसुंधरा सरकार ने 30 दिन बाद अपनी 60 दिन का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, क्या मायने इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में 163 सीट जीतकर आजादी के बाद एक पहला इतिहास कायम किया है। अब चूंकि 60 दिन का विजन डॉक्यूमेंट जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी और उसके शासन का कि हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जिस प्रकार की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उनको पूरा करने का एक संकल्प डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम लोगों ने उसको कैबिनेट में ले जाकर उसको सरकारी दर्जा हम लोगों ने दिया, और उसके बाद बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक सब कमेटी का गठन किया और उसमें प्रत्येक विभाग पर चर्चा करने के पश्चात प्रत्येक विभाग में लगभग 11-11 काम हम लोगों ने चयनित किए हैं। उसका मकसद एक ही है कि राजस्थान की जनता, आम आवाम को जो आशा और विश्वास था, जिस आशा और उम्मीद के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है, उसमें हम लोग खरा उतरे और उन छोटे छोटे कामों को, उन योजनाओं को 60 दिन के अंदर सम्मिलित किया था कि कम से कम कुछ योजनाएं तो हम लोग पूरी करेंगे, कुछ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कुछ योजनाओं का शुरुआत करेंगे। इससे राजस्थान के आम आवाम में एक विश्वास पैदा होगा, ये 60 दिन की योजना राजस्थान सरकार ने बनाई। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है और जो खास चर्चा है वो 60 दिन की है, तो हमने आज का सवाल रखा था कि क्या 60 का मैजिक चलेगा। जनता से हमने दिन भर पूछा हमारे फेसबुक पर, ट्विटर पर और वेबसाइट पर और टेलीविजन पर कि 60 का मैजिक चलेगा, क्या जनता की राय, ये हम कार्यक्रम के आखिर में देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि 60 का मैजिक चलेगा क्या। डूडी साहब, आपने अभी नई जिम्मेदारी संभाली है विपक्ष के नेता पद की, आप दिल्ली में सांसद भी रहे हैं, जिला प्रमुख भी रहे हैं, आप भी जमीन से जुड़े नेता हैं। जब आपकी पार्टी को 60 साल का मौका दिया देश ने, तो 60 दिन सब्र कर सकते हैं? सवा 60 साल के अंदर हमने जो देश का एक नवनिर्माण किया, उसमें हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और 60 दिन की जहां तक बात कर रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद में 60 दिन का जो है उन्होंने एक अपनी जो है कार्य योजना बनाई। उस कार्य योजना के बारे में कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने 60 दिन कार्य योजना बनाने में भी जो है 30 दिन लगा दिए जी, तो फिर क्या 60 दिन के अंदर वो कार्य योजना को फलीभूत कर पाएंगे जी? मैं ये भी कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को और हमारे साथ में जो है बहुत ही वरिष्ठ मंत्री जो है सैनी जी को जी, कि 60 दिन के अंदर जो कार्य योजना, इन्होंने जो मुद्दे लिए हैं, जो 11 सूत्र जो लिए हैं, उसमें कम्प्लीटली हमारा जो किया हुआ जो काम है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की अपन बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे आवागमन के साथ में सड़कों की बात करें, हमने जो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम किया था। आज बिजली के बारे में अपन बात करें तो बिजली के बारे में इन्होंने जो है नया कुछ नहीं करा उसमें जी, उन्होंने सिर्फ उसमें ये करा है कि हम जो किसान को 7 घंटे रात को बिजली देंगे, रात्रि को, और दिन में जो है 6.5 घंटे बिजली देंगे। लेकिन उस बिजली के क्षेत्र में मैं कहना चाह रहा हूं कि बिजली के क्षेत्र में हमने जो है किसान को 7 घंटे बिजली जी बगैर किसी रोक टोक के,
मतलब कहीं कोई कट नहीं, कहीं कोई फ्लक्चुएशन नहीं, और हमने जो है उसको सही क्वालिटी की बिजली 7 घंटे दिन और उनकी पूरी कार्य योजना पर अपन चर्चा जारी शुरू करेंगे कि आगे डिटेल में किस तरह से बात होती है। हमारे साथ कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे नरेश दादी साहब भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, आज तो सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग मेरे पैनल में हैं जो बहुत हकीकत को समझते हैं। आपको लगता है कि 60 साल वर्सेज 60 महीने वर्सेज 60 दिन कोई बुराई वाली बात नहीं है? प्रभुलाल सैनी जी की सरकार को मौका मिलना चाहिए 60 दिन का? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है अगर कोई सरकार अपने लिए टारगेट्स रखे, 60 डेज वेरी गुड, लेकिन वो 60 डेज में आपका विजन क्या है? मेरे को तो इसी में बात करनी है। जी, विजन डॉक्यूमेंट ही है ये। हाँ, तो ये। नहीं, बट इससे विजन नहीं दिखता। दिक्कत ये है, अगर आप सरसरी तौर पर भी देखें तो आप देखेंगे यहाँ महिला और बच्चे गायब है, जो बिल्कुल वल्नरेबल ग्रुप्स, वंचित ग्रुप है ना, होमलेस महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रभुलाल जी ने मुख्यमंत्री बना दिया है। और मुझे लगता है कि एक ही सूत्र है हमारे सामने कि अगर मेरा निर्णय अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ देता है, अगर उसको देता है तो मेरी योजना खरी उतरेगी। और मुझे लगता है यहाँ पे जो अंतिम लोग हैं वो इस अनुक्रमिका में है ही नहीं, ना महिलाएं, ना बच्चे, ना दलित, ना बेघर लोग हैं। सब इतनी ठंड पड़ रही है, हम सब ऐसे बैठे हुए हैं। 60 दिन तो शुरू हो गए ना आज से, और सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर्स नहीं लागू हैं बेघर लोगों के लिए। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। टारगेट रखना बहुत अच्छा है क्योंकि एक मूल्यांकन होता है, एक मिशन मोड में काम होता है, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, माफ कीजिएगा, इसमें कोई विजन नहीं है। ये कुछ यूं ही करके कुछ मसौदा तैयार कर लिया गया है, चाहे 5 चीजें करते 60 दिन में, लेकिन होस्ट करते मिड डे मील का आप देखे तो क्या बोला है, 200 स्कूल के किचन शेड्स, जबकि आपके 80,000 गवर्नमेंट स्कूल है, 200 स्कूल तो परसेंटेज निकालना भी मुश्किल होगा। सैनी जी, मैं दादी साहब के पास जाता लेकिन पहले आपसे इसका रिएक्शन ले लूं, फिर आई थिंक इट इज खाना पूर्ति। मुझे लगता है कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो आप कुछ विजन 60 डेज का कुछ करेंगे, नहीं तो ठीक है सरकार चल रही है, जनता जाएगी। यहाँ तक ग्रीवेंस रिड्रेस, शिकायत निवारण इज द मेन इशू, गवर्नेंस का एक मुद्दा नहीं है इसके अंदर, कुछ कुछ फाउंडेशन। और जो नया कार्यस्थल पर यौन हिंसा कानून बना, यही कह देते शिकायत समितियां हम इतने जगह करवा लेंगे। सनी साहब से पूछते हैं, सनी साहब पहले आपके पास रिएक्शन लेता हूँ, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊँगा। देखिए, जिस प्रकार कविता जी ने कहा, इस विजन डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ शायद कविता जी ने इसको पूरा अध्ययन नहीं किया, इसको पूरा नहीं पढ़ा। आप बात करते हैं महिलाओं के बारे में, इस विजन में कुछ नहीं है, बच्चों के बारे में कुछ नहीं। मैं इनको कहना चाहूंगा क्योंकि अपने अपने नजरिए से देखने का फर्क है, एक बोलता है ये गिलास खाली है, एक बोलता है ये आधा भरा हुआ है, सरकार में बैठने तो भर जाता है। यानी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया, यानी विभाग जो बटे हुए हैं, ऐसा कोई विभाग नहीं है। का कहना है कि 5 काम करते थोड़ा सा ठोस काम कर लेते। नहीं, पांच नहीं, कविता जी, हम पूरे विभाग में 11-11 काम करने जा रहे हैं। देखिए, आपने कहा अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसको क्या होना, तो हमारे जो कृषि विभाग की योजना बनी है, हम लोगों ने उनको कहा कि नीचे स्तर पर किसान के गांव तक जाके उनके पशुओं का इलाज करो। पशु आरोग्य महाअभियान हम लोगों ने शुरू किया है कि लगभग 25,000 से 30,000 पशुओं का इलाज 60 दिन में हम लोगों को करना, उनको दवा फ्री। जो ये मैं मानता हूं कि सरकारें, चाहे जो भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य पार्टी की हो, मैं इस विषय में नहीं जाता, मैं इस विषय में जाता हूं कि सब सरकारों का एक ध्येय होता है कि राजस्थान के आम आवाम को, गांव को, गरीब को, किसान को, महिला को, युवा को किस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्ट करें, उनके हितों के बारे में हम लोग किस प्रकार की योजनाएं बनाएं। और सरकारें जो भी हो, योजना यही होती है, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, मैं समझता हूँ इससे आगे कोई योजना नहीं। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, उसको करने का जो तरीका, अनाउंस कर देते आप न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाउंस कर देते और आप बोलते कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा रबी की फसलों के लिए, तो भी हम मानते। देखो कितनी अच्छी चीज है, तो सारी जितनी प्राइवेट पार्टीज को रेस करना होता। हम कह रहे हैं द विजन सीम्स टू बी मिसिंग, इसीलिए मैं कविता जी को कहना चाहता हूँ, कविता जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका रबी और खरीफ का, क्योंकि खरीफ का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया है वो निश्चित रूप से लिया गया है, उसको अनाउंस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो
एक सामान्य प्रक्रिया, ये भारत सरकार का काम है, कृषि मूल्य लागत आयोग विभाग है वो उसको डिसाइड करता है, और डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य अनेक महीने पहले अनाउंस करती है ताकि किसान को पता मैं ये बोऊंगा और उसका मुझे मिलेगा, तो इससे बहुत फायदा होता है, एक निश्चितता आती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए देखते हैं कविता नागौर से हमारे साथ। मैं आपको एक मिनट में कहना चाहूंगा आपको कि राजस्थान पहला राज्य है जहां पर हम लोगों ने इंटरवेंशन ऑफ मार्केट्स को किया है, यानी वो जिनसे जिनका समर्थन मूल्य नहीं है हम लोग तो उससे भी आगे बढ़ के हम लोगों ने तो जैसे ऐसी पेरिसेबल आइटम्स है जिसमें संतरा है, जिसमें मौसमी है, जिसमें सौंफ है, हम लोग तो इंटरवेंट कर रहे हैं, है आपके प्याज है, वो सारे हम लोगों ने शुरू किए हैं। किसान, 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 आप इसको अगर पूरा देखते तो मेरे ख्याल से ये सैनी जी आपकी सरकार की महानता पर अपन चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ नागौर से भंवरलाल सारस्वत साहब जुड़ रहे हैं। सारस्वत साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरा निवेदन है सर कि जो शिक्षा है, चिकित्सा मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ, मेरा ये है सर कि जो स्कूलों की व्यवस्था है, शिक्षण संस्था जितने भी सरकार की है वहाँ पर अध्यापक नहीं है जी, और सरकारी जो चिकित्सालय है वहाँ चिकित्सक नहीं है जी, और बिजली और पानी की जो मूलभूत समस्या है जी, बिजली तो अभी तक बिजली की व्यवस्था होती वही है जी, और पानी की व्यवस्था सही ढंग से सप्लाई नहीं है, फ्लोराइड जो नागौर में हमारा पानी आ रहा है, नागौर को छोड़कर पूरा नागौर जिला, नागौर है पूरा क्षेत्र वो फ्लोराइड पानी सेवन कर रहा है जी। सरकार 60 दिन में स्कूल की व्यवस्था सुधार देगा जी, एक गरीब तो सरकारी स्कूल में जाता है और उसको तो अध्यापक बजाने के लिए नहीं मिलते जी, स्कूल ऐसी है जहाँ पर वहाँ भाई बच्चे जो वहाँ से टीचर लगा दिए लेकिन वहाँ बच्चे नहीं है जी, तो जी समझ जी सरस्वत जी। प्रोफेसर साहब आप क्या सोचते हैं, ये फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट है, फर्स्ट असेसमेंट है सरकार के लिए 60 दिन बाद? नहीं, मैं मेरा सोच थोड़ा अलग तरह का है, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ जी, तो दो बातें अपन ये जो बहस कर रहे हैं इसमें दो बातें अगर ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल से हम उचित तरीके से बहस कर सकेंगे। पहला तो ये है कि अभी सरकार को 2 महीने नहीं हुए और इतनी जल्दी जो सरकार ने, कोई भी सरकार जो चुन के आती है वो कोशिश करती है कि एक विजन डॉक्यूमेंट दें कि अगले 5 साल में क्या करेंगे जी, और उस 5 साल को फिर वो अलग अलग टुकड़े में बांटती है कि 3 साल में क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे और जो अभी बताया 2 महीने में क्या करेंगे जी। तो ये अपेक्षा करना कि अभी आए हुए 2 महीने नहीं हुए और वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट बना लेगी और 5 साल तक उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आशाएं हैं, क्योंकि आशा इसलिए हो सकती है कि इनकी इस सत्ता दल की 162 सीटें तो इतनी जल्दी, तो हमको अपेक्षाएं बहुत, यदि आप नहीं कर सकते तो इतनी जल्दी क्या विजन डॉक्यूमेंट की, विजन डॉक्यूमेंट बन जाए तब बना लीजिए। विजन डॉक्यूमेंट की मजबूरी है हर राजनीतिक दल की कि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हर जो राजनीतिक दल है वो आता ही राजनीति में इसलिए प्रजातंत्र में कि वह सत्ता में आ सके और अपने विचारों को इम्प्लीमेंट कर सके जी। तो अभी मेरा मानना है कि जो भी विजन डॉक्यूमेंट बना है या जो कुछ भी बना है उसका मूल उद्देश्य मुख्य रूप से लोकसभा इलेक्शन है, चाहे वो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो भी लोकसभा इलेक्शन के लिए हो रहा है और जो यहाँ भी हो रहा है वो भी लोकसभा इलेक्शन के लिए हो रहा है, इसलिए अभी इसको मेरिट के आधार पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप होमवर्क देख रहे हैं प्रोफेसर साहब के, गोविंद जी आपको लगता है कि जो समझदारी प्रभुलाल जी सैनी साहब की सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने की है वो यदि आपकी सरकार कर लेती पिछली बार की कांग्रेस की सरकार तो ये दिन नहीं देखने पड़ते? ऐसा है क्योंकि आप बिल्कुल आखिरी, उन्होंने तो पहले आते ही 60 दिन का विजन डॉक्यूमेंट बनाया फिर आगे का काम करेंगे, आप 4 साल तो आपने सोचा कि ये तो हमारी पक्के ही है, अब 5वें साल में देखते हैं। ये जो 60 दिन का इनका जो विजन डॉक्यूमेंट बना है इसमें हमारी सरकार के चालू किए गए कार्य ही है, इनके घोषणा पत्र में या इन्होंने जो घोषणाएं की थी स्वराज यात्रा के दौरान उनमें से एक भी काम नहीं है। ये कह रहे थे हम टेट खत्म कर देंगे, इसमें लिखते कि हम टेट खत्म कर रहे हैं 60 दिन में, इसके लिए समिति बना दी, दूसरे कोई काम करने होते थे उसके लिए समिति बना दी, अब कह रहे हैं हम चारे के लिए मिनी किट बांट रहे हैं, तो ये तो 10 साल से बट रहे हैं। भारत सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने भी एड दिया है, पैसा दिया है, हमने भी, हमारी सरकार ने भी बांटे हैं और 31 मार्च तक बांटने ही बांटने हैं, इसमें इनकी क्या क्या बात है कि हम साहब सड़कें टूटी है उनकी रिपेयर कर देंगे, तो ये आपकी ड्यूटी है, पैसा दिया हुआ है,
आप ये विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, विजन डॉक्यूमेंट नहीं है जो हम हमारे काम चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कब्रिस्तान और शमशान की हम चार दीवारी बना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं हमने तो बना दी। जहां से मांग हुई ग्रामीण क्षेत्र में एक भी ऐसी पंचायत समिति नहीं बची है जिसका हमारे पास में कोई बकाया रहा। मोदी साहब अभी जो दर्शक हमारे सारस्वत जी बात कर रहे थे वो बात तो सैनी साहब से कर रहे थे, लेकिन लगा मुझे कि शिकायत आपसे कर रहे थे क्योंकि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। तो सैनी साहब तो अभी आए हैं, तो वो पांच साल आपने नहीं किया, शिकायत वो आपसे कर रहे थे मुझे लगता है। उसमें सारस्वत जी जो बात कह रहे थे उसमें कुछ हद तक जो है उसमें सच्चाई भी है। हम इस चीज को मानते हैं कि आज सबसे सबसे ज्यादा अहम जो जरूरी जो विकास है वो शिक्षा है। यदि हमारा गांव का और जो ग्रामीण इलाके का जो है उसमें शिक्षा हम नहीं दे पाए तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है मतलब कमी है जी। तो उसमें हमारा हमने जो उसमें पूरी कोशिश करी, भर्तियां हमने जो नई जो भर्तियां शिक्षकों में लागू करी, आज भी जो हम ये नहीं कहते कि 100% तो मानते हैं गवर्नमेंट का, नहीं नहीं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर तो है, नहीं नहीं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर की बात नहीं कर रहा, उसमें हम ये चीज मानते हैं कम उसको 100% नहीं कर पाए, लेकिन उसमें हमने काफी हद तक जो आप 100% नहीं कर पाए, जनता ने 100% साफ कर दिया, इसमें कोई तो वो होना चाहिए ना। नहीं नहीं वो देखो इसमें सच्चाई कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज जिस तरीके से सारस्वत जी ने ये कहा कि स्कूलों के अंदर जो है ना मास्टर नहीं है, आज भी कमी है। सो आपके हाई कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के हमने जो पीछे 40,000 वैकेंसी निकाली, 60 दिन और हो जाएंगे तो फिर सैनी जी से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तो ये सवाल आपके लिए वाजिब है। नहीं नहीं उसमें हमने जो है कम्प्लीटली नई स्कूल खोली है, अपना विजन नई स्कूल में तो कोई टीचर भी लगा की कोई बात कर सकते, लेकिन ये है कि आज भी स्कूलों में कमी है। अब जो है ना सैनी जी और इनकी सरकार ने सौंपा और 60 दिन के अंदर जो है वो स्कूलों की व्यवस्था सुधार। चलिए सैनी साहब से विजन डॉक्यूमेंट पर पूछेंगे और हमारे खास मेहमान साहब, एक मिनट में प्रोफेसर साहब ने जो बात कही कि इन्होंने जो है 60 दिन की जो कार्य योजना बनाई, एक मतलब जिस तरीके से जनता को गुमराह करने का, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव को देखते हुए इन्होंने जो इस कार्य योजना को लोगों को फिर ठगने और लोगों को फिर जो है बरगलाने का काम जो है इन्होंने जो किया, ये कोई अच्छी आप इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स मान रहे हैं। बिल्कुल। चलिए जो सुराज योजना के तहत आपने सैनी साहब ने अभी बताया कि आपने लोगों के बीच में जो वादे किए उन वादों पर ये खरा उतर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल झूठे वादे जो है जनता के बीच में जाके किए और ये आप लोकसभा चुनाव में आप देख। चलिए देखिए डोंडी साहब निराशावादी आप मत होइए, देखिए आप लोगों ने घोषणाएं काफी की है नो डाउट, यदि हम राजस्थान के पूरे इनको देखते हैं तो घोषणाओं में नंबर वन रहे हो आप, लेकिन उनके कंप्लेंस करने का जहां विषय आया तो जीरो रहे हो आप। स्कूलें तो आपने प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 20 से 25 सेकेंडरी स्कूल तो खोल दिए, तो कंप्लाइंस लेकिन अध्यापकों की कमी के बारे में, वहां पर नए भर्तियां करने के बारे में आपकी सरकार ने नहीं सोचा, इसलिए अब जो हमने हमारी सरकार 15 देखिए 60 कि हम ये करने जा रहे हैं, किसी भी भर्ती प्रक्रिया को मैं समझता हूँ पूरा हो जाए ये संभव नहीं। चलिए इस पर कंप्लाइंस हम लोगों ने सुनी कंप्लाइंस, एक मैं सैनी साहब से पूछना कंप्लाइंस पर, क्या हमने ऐसी कौन सी है ना लोगों को जो दी, हमने जो कोई वादे किए, हमने कोई योजना बनाई और उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? आप मेरे को 5 साल में पिछले हमारे राज में बताओ आप तो इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लीटली ऐसा ऐसा हमने हर क्षेत्र के अंदर नया इतिहास रचने का काम किया। आज फ्री मेडिसिन की बात लो आप, जो है फूड सिक्योरिटी बिल की बात लो, आज एजुकेशन की आप डूडी साहब ने स्कूलों को इम्प्लीमेंटेशन और बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन डूडी साहब जो कह रहे हैं ना जी, ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हमने तो इतिहास बनाया है, वास्तव में इन्होंने इतिहास ही बनाया है। 71,000 करोड़ रुपए बिजली पे कर्जा छोड़ गए, कितना इतिहास। चलिए इस पर इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस पर, इतना बड़ा कर्जा इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजस्थान की सूरत क्या 60 दिन में बदल सकती है, बशर्ते आप हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। काम कुछ भी हो अच्छा होना चाहिए, चाहे 2 दिन में हो चाहे 60 दिन में हो, उसके लिए समय सीमा बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। 60 दिन में जो भी आप घोषणा कर रहे हैं सूरत बदलने की, उसका आंशिक भी यदि जनता को लाभ मिलेगा तो बहुत अधिक फायदा होगा। केवल कागजों में न रहकर 60 दिनों में सूरत बदलने का जो आपने सपना देखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें।
शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोखों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, हम हैं मौजूद गली गली शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। आसमान से बरसी बूंदे, किसी के चेहरे पर लाई मुस्कान, कोई हो गया मायूस, इस मावट के क्या है मायने, देखिए मावट, खुशी या मायूसी, स्पेशल रिपोर्ट में आज रात 9:30 बजे सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर। आज मैंने सब सेवा दल ने NSUI यूथ कांग्रेस तमाम जो पदाधिकारी हैं हमारे प्रदेश कार्य कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हैं सबसे मुलाकात करी है और दौरों का चुनाव प्रचार का प्रत्याशियों का चयन इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करी और अब हम सब लोग निकलेंगे क्षेत्र के अंदर प्रदेश में घूम घूम कर दोबारा पार्टी को लोगों के घरों तक पहुँचाएंगे लोगों को जोड़ेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे पूरे जोश के साथ और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा मजबूत होकर उभरेगी राजस्थान जो पार्टी के हित में आज भी काम नहीं कर रहे हैं उनको पार्टी ने बड़ा तरीके से बोल रखा है कि अनुशासन के बाहर जो जाएगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे साथ ही साथ जिन लोगों की आज हमको साथ लेकर काम करने की जरूरत है केस बाय केस डिसीजन करते हैं हम लोग इतला करेंगे। हमारे साथ श्री गंगानगर से दर्शक जुड़ रहे हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी क्या कहना है आपका? जी सर मैं आपके माध्यम से यह विचार रखना चाहता हूँ कि सन 2010 के बाद में पुलिस उप निरीक्षक की वैकेंसी नहीं निकली सर अभी तक जी तो जो अभ्यर्थी हैं जो युवा है सर वो ओवरेज होते जा रहे हैं जी। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इस भर्ती को निकालें आचार संहिता से पहले पहले जी। शुक्रिया सनी जी आप बोलेंगे इस पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम निश्चित रूप से 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे ये हमारी 60 महीने की योजना है और हम लोगों ने प्रत्येक विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कहाँ कहाँ कितनी रिक्तियां बाकी है कहाँ पाइपलाइन में है कौन से विभाग की क्या किस प्रकार से कहाँ अटके हुए हैं उस पर हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है और निश्चित रूप से जो वादा किया है वो निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करेंगे क्योंकि कुछ मामले जो कोर्ट लिटिगेशन में है या कुछ मामले हैं जो RPSC में है कुछ मामले हैं जो विभागीय भर्तियों के हैं उन पर सारी समीक्षा चल रही है निश्चित रूप से जो कहा है वो करेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जहां आपने कहा 60 साल 60 महीने और 60 दिन क्या वास्तव में आपने एक ऐसा चयन बनाया वास्तव में 60 साल को यदि हम देखते हैं तो इस देश में राज कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने 60 साल के राज के बाद भी यदि हम जनगणना 2011 के आंकड़ों को हम देखते हैं तो आज भी इतनी बुरी हालत इस राजस्थान प्रदेश की है कि 33% लोग आज भी बिजली के अभाव में लालटेन की रोशनी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं यदि हम आज भी देखते हैं 59% लोग ऐसे हैं जिनके घर पे LPG गैस नहीं है आज यदि और देखते हैं तो 50% लोगों के आज भी नल कनेक्शन नहीं है हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये इसके लिए जिम्मेदार कौन इसके लिए जिम्मेदार लोकतंत्र है क्योंकि जिन लोगों ने 60 साल तक शासन किया होगा एक नीति बनना चाहिए एक विजन बनना चाहिए और आप आश्चर्य करेंगे पूरे देश में 44,000 से ज्यादा हैबिटेशन ऐसी है जहां फ्लोराइड TDS और नाइट्रेट का दूषित पानी पीने को मिल रहा है उसमें से लगभग 44% तो अकेले राजस्थान की जी। हमारे साथ टॉक से रघुवीर सिंह जी जुड़ रहे हैं। रघुवीर सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं फिर मैं डूडी साहब को जी। हाँ सर डूडी साहब से मेरा सवाल है जी। जी सर ये डूडी साहब ये जो 60 दिन की योजना पे सवाल उठा रहे हैं जी तो इनको बोलने का हक क्या है इन्होंने पिछले पांच साल में शासन किया है इन्होंने इनकी सरकार ने किया क्या है भ्रष्टाचार बेरोजगारी चिकित्सा शिक्षा पानी बिजली के इन्होंने कुछ नहीं दे पाए सरकार इनकी तो अब ये बोल कहाँ किस मुंह से बोल रहे हैं ये जी।
डूडी साहब, इनके सवाल के साथ मैं एक चीज जोड़ दूं कि अभी हम आपके कांग्रेस के नए अध्यक्ष सचिन पायलट साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको जनता से, लोगों से मिल रहे हैं, अपने नुमाइंदों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और इसके बाद जनता में जाएंगे। ये जो प्रोसेस है हारने के बाद जनता में जाना, जनता में जाएं तो हारे ही ना, ऐसा नहीं लगता आपको पहले से? ये हारने के बाद जो दिव्य ज्ञान होता है कि अब हम जनता के बीच जाएंगे, नहीं जनता के बीच थोड़ा लेट नहीं होता दिव्य ज्ञान? जनता के बीच में हम रहते हैं जी, हमने पांच साल